मोदी सरकार किसान मजदूर एकता नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज़। इस समय मौजूद हम टिकरी बॉर्डर पर और यहां पर कंडेला खाप के कम से कम 150 ट्रैक्टर यहां पर इकट्ठे हैं और यहां पर उनका जो रहन सहन है यहां पर लगाया उन्होंने टेंट। तो यहां पर हम बात करेंगे, यहां पर लगभग पूरा किसान ही है पूरे दिल्ली के अंदर। जिस प्रकार पहले अलर्ट किया था कि 26 जनवरी को किसान परेड करेगा, आज लगभग 2 महीने से ज़्यादा किसान आंदोलन को चले हुए, लेकिन केंद्र सरकार फिर भी आंख बंद करे बैठी है। तो किसानों का जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है, क्योंकि इस आंदोलन के अंदर इससे पहले सिर्फ एक किसान आंदोलन था, आज ये आंदोलन बढ़कर एक जन आंदोलन बन चुका है। 1947 की क्रांति के बाद दूसरा ऐसा दौर देखने को मिला है कि यहाँ पर एक जिस प्रकार क्रांति के दौरान लोगों के अंदर जज्बा था देश को आज़ाद करवाने का, बिल्कुल वही जज्बा आज यहाँ पर देखने को मिला दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर। तो अब बात करेंगे, यहाँ पर किसान हमारे साथ मौजूद हैं तो उनसे बात करेंगे, अभी हम चलते हैं उनके पास। जी, क्या लग रहा है आपको कि किसानों की जो ट्रैक्टर रैली है इससे क्या सरकार के ऊपर असर पड़ेगा? देखिए, जो 2 महीने से किसानों का जो आंदोलन चला हुआ है दिल्ली के चारों तरफ, जो लाखों किसान बैठे हैं और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं और आंदोलन की सराहना भी सारे वर्ल्ड में हो रही है इस आंदोलन की, इसके लिए जो 26 जनवरी की जो परेड की जो कॉल भारतीय किसान यूनियन द्वारा दी गई है, इसमें लाखों ट्रैक्टर भीड़ देख रहे हैं आप, जुटने लग रहे हैं। आपने पूछा था, पहले बात हुई थी कि भाई जीन जिले से कितने ट्रैक्टर आओगे, जीन जिले से कम 15,000 ट्रैक्टर यहाँ पहुँच चुके हैं और जहाँ तक खापों की सवाल है कंडेला खाप से भी 2,000 ट्रैक्टर करीब कल आ लिए थे और आज भी आने लग रहे हैं। हमारी 3 मांगे हैं, हमारी सबसे पहली मांग है भाई ये जो 3 कानून बनाए गए हैं इनको रद्द किया जाए। दूसरी मांग है हमारी जो MSP पर है गारंटी का कानून बनाया जाए किसानों के लिए, जो फसल बेचने के लिए आते हैं भाव तो सरकार ने बांध दिया है, बाजरा का 2100 रुपये का है 12,000 रुपये कौन बिकता, कपास का 56,600 बेक के कार 3,035 है। तो इस MSP का गारंटी कानून बनाया जाए, क्योंकि पिछली सरकार भी जाए या सरकार हो जाए पिछली सरकार हो, किसानों के लिए किसी पार्टी ने कुछ नहीं काम किया इसके लिए। और हम ये भी चाहते हैं भाई स्वामीनाथन की रिपोर्ट की जो बात चल रही है काफ़ी दिनों से 40-50 साल से, स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी लागू की जाए और देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार किसानों के सारे कर्जे माफ़ करे और ये जो आंदोलन होगा कल जो शांति परेड होगी ये अनुशासन में रहकर होगी, बिल्कुल शांतिपूर्ण से तरीके से होगी, किसी प्रकार की बाधा, हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, किसी प्रकार की बाधा नहीं आने देंगे। इसके लिए हमने सारे वॉलंटियर मेरी किसान यूनियन के सेंटर के उनसे बात हुई है, टिकेट से भी हुई है और सारी कमेटी से बात होती रहती है, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जिस तरह आप देख रहे हैं सारे रोड के कहीं जाम नहीं होने देंगे, सारे अपने आप वॉलंटियर खड़े कर रखे हैं। लेकिन हम ये है, हमें एक बात का भय है कि सरकार नहीं कोई गड़बड़ करवा दे, उसके लिए हमने सारी पूरी कोशिश कर रखी है। लेकिन सरकार ने कहा कि MSP हम गारंटी देते हैं आपको, लिख के देंगे, तो किसान को किस बात का डर सता है? देखिए, किसान को इस बात का है, अगर जो गारंटी देते हैं तो कानून ही बना दो, कानून से का अगर कोई कम बेचेगा तो उसकी सजा का प्रावधान हो जाएगा। लेकिन यह तो सब शुरू चल रही है के कारण MSP तो 6% है इस टाइम देश में, MSP तो हरियाणा पंजाब से सुहा और कहीं तो बिकता ही नहीं। तो हम तो ये चाहते हैं भाई MSP का कानून बनाया जाए और कानून के ऊपर जो कम खरीद है उसकी सजा का प्रावधान होना चाहिए। जिस प्रकार सरकार बोल रही है होल्ड पर डालने की, तो कहाँ तक सही है? नहीं जी, होल्ड पर तो देखो इतना बड़ा आंदोलन है बोल रहा है कि होल्ड पर डालने पर बार बार आंदोलन थोड़े जुटते हैं, अब रद्द कर दो इनको, इस बात का कोई विश्वास नहीं है किसान उनके नेताओं को लोगों को। तो किसान क्या सोच के सोच रहे हैं कि क्या लिखवा के मानेंगे या क्या कहलवा? किसान इसके बार ये सोच रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा आंदोलन, मैं भी 65 साल का हो गया, अलग मैंने कभी भी नहीं देखा, मैं मेरठ में महेंद्र सिंह टिकेत उसमें आंदोलन में गया था, दिल्ली में महेंद्र सिंह टिकेत चौधरी हार दे जब उसमें भी हम आए थे सारे, तो क्यों हमारी खाप तो पहले शुरू से किसानों के साथ, जिस तरह चौटाला सरकार में भी हमारा हो गया था वह भी बगायदी थी, तो हमारी खाप तो कंडेला खाप तो शुरू से किसानों के उसमें समर्थन में रहती है। और हम तो ये चाहते हैं कि अब की बार अगर देश का किसानों के साथ कोई काम नहीं हुआ तो आगे इतना बड़ा आंदोलन न उठेगा और करवा के मांग मंजूर करवा के रह जाएंगे, इतने जाएंगे यहाँ से। धन्यवाद।
अपना शुभ नाम दान कंडेला खाप राष्ट्रीय संयोजक खाप पंचायत भारत। हाँ जी, ये बताएं, सरकार ने जब आपको साफ कर दिया है कि कानून वापस नहीं होंगे, तो किस उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और लगातार जिस तरह से किसान ट्रैक्टर की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं? देखिए, 26 तारीख को कल गणतंत्र दिवस की ये जो शक्ति प्रदर्शन है, हम सरकार को ये चेताने जा रहे हैं, वे इतना बड़ा आंदोलन आज तक हमने भी नहीं देखा और सरकार ने भी नहीं देखा होगा। अनुशासनिक तरीके से और शांति प्रिय ढंग से इतना बड़ा आंदोलन 2 महीने से लगातार चला हुआ, और जब तक ये तीनों काले कानून और MSP पर कानून नहीं बढ़ेगा तब तक ये किसान यहाँ से लौटने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस तरह से आपने पहले भी सरकार के ऊपर भरोसा दिखाया है, तो सरकार कह रही है कि हम होल्ड कर देंगे, तो फिर आप मान क्यों नहीं रहे, एक बार और भरोसा क्यों नहीं दिखा रहे आप? सरकार ने तो 2014 में ये भी उनके मैनिफेस्टो में था, हम 2 करोड़ बच्चों को रोजगार देंगे और कर्जे माफ़ करेंगे, काला 15-15 लाख सबके खाते में जाएंगे, काला धन ले आएंगे, तो हुआ क्या उनमें? कुछ आज तक कुछ नहीं हुआ। सरकार के कहने से क्या बनता है? जब सरकार इतनी बात कह रही है भाई हम लिख कर देंगे, MSP लागू रहेगी, तो उसमें मेरी बात सुनो, नोटबंदी के टाइम पर भी, GST के टाइम पर भी, रात को 12 बजे भी जब सत्र बुला सकते हैं लोकसभा का, तो इसमें कौन सी बड़ी दिक्कत आवे है? 1 घंटे का सत्र बुला के MSP पर कानून क्यों नहीं बना देती सरकार? सरकार की जैसे आपने बात की, तो जिस तरह से अगर सरकार कोई वादा पूरा ही नहीं कर रही है, तो दूसरी बार फिर से आपने सरकार कैसे बना दी? देखो, सरकार तो बन जाती है, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। गांव में एक इतना बढ़िया आदमी जिसको मतलब है जिसकी ऊपर कोई दाग ना हो, अरे एक पता नहीं कोई दारू दप्पा पीने वाला, पता नहीं किस तबादले सबादले सो ब्लॉक समिति जिला परिषद चलते हैं और वो गांव का मुखिया बन जाता है, ये कोई जरूरी नहीं होता। लेकिन वो बार बार तो नहीं बनाते ना, एक बार गलती कर दी लेकिन दोबारा फिर अगर वो सरकार बनती है, दोबारा भी बन जाती है भाई साहब, ऐसे समीकरण हो जाते हैं। कुछ हमारा विपक्ष कमज़ोर है, आज जो इस देश का विपक्ष है कांग्रेस है, उसमें कोई नेता नहीं है, विपक्ष कमज़ोर है, इसी करके ये दोबारा बन गए। अगर विपक्ष में कोई मजबूत नेता होता, विपक्ष से मजबूत होता, इनमें आपस में फ्रैक्शनबाजी ना होती कांग्रेस में, तो सवाल नहीं पैदा नहीं था मोदी का दोबारा आने का। तो सरकार तो बोल रही भाई जो कानून है किसानों को समझ में नहीं आया, इनको अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाए, तो क्या लगता है? हमें इसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं, इन कानूनों को 5 महीने हो गए लागू हुए को, जबकि पंजाब में तो 4 महीने हो गए धरने पर बैठे ने, हरियाणा तो 2 महीने से बैठा है, और हम 5 महीने से आज तक भी इनको नहीं समझ पाए, तो फिर हम आगे इसको समझ भी नहीं पाते। हमें पता है ये गले की फांस है, किसान की मौत है ये। MSP ने उन्होंने जो बना रखी है, 23 फसलों के ऊपर MSP सरकार ने लागू कर रखी है, और आज ये सरकार 6 या 7 फसलों के ऊपर MSP दे रही है, वो भी सही तरीके से नहीं दे रही। अपना शुभ नाम ईश्वर सिंह कंडेला, कंडेला खाप।